वेलकम टू विप्स किचन। मैं हूं विभा और हमारी आज की रेसिपी है जामुन आइसक्रीम। जामुन आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए जामुन, पिसी हुई चीनी, फुल क्रीम दूध, वनीला कस्टर्ड पाउडर, फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम की जगह आप ताजी मलाई भी ले सकते हैं। जामुन का गूदा बीज में से इस तरह से अलग कर लेंगे। ध्यान रहे, बीज नहीं कटकर आना चाहिए। बीज बहुत कड़वा होता है, उससे आपकी आइसक्रीम खराब हो सकती है। इस तरह से बीज सारे अलग कर लेंगे और गूदा अलग निकाल लेंगे। जामुन का गूदा पूरा निकाल लिया है। अब जामुन के गूदे को हम थोड़ा पीस लेंगे। जामुन को अब हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, इसको एक तरफ रख लेंगे। कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा दूध डालकर मिलाएंगे। ध्यान रहे कि कस्टर्ड पाउडर में गांठें ना पड़े। कस्टर्ड में दूध मिलाने के बाद एक तरफ रखेंगे और बाकी का दूध गरम करेंगे। फुल क्रीम दूध को हमने उबाल लिया है। उबले हुए दूध में अब हम भिगाया हुआ कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। मध्यम आंच पर दूध को उबालेंगे और 2-3 मिनट तक पकाएंगे। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब गैस पर से उतार लेंगे। चीनी डालेंगे और चीनी को पूरी तरह घुलने देंगे। कस्टर्ड पाउडर और दूध अच्छी तरह से पक चुका है। गैस को बंद कर देंगे और दूध को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। फ्रेश क्रीम को फ्रिज में थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से फेटेंगे। अब इस फेटी हुई क्रीम में हम पिसा हुआ जामुन डालेंगे। और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम ठंडा किया हुआ कस्टर्ड दूध भी डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको एक जार में डालेंगे। और फिर जार में से आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे।
इस तरह से धीरे धीरे आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे। आइसक्रीम मोल्ड में अच्छी तरह से भरने के बाद ऊपर से कैप लगाएंगे। इस तरह से आइसक्रीम मोल्ड में भरने के बाद 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। आइसक्रीम जमने के बाद आइसक्रीम मोल्ड में से आइसक्रीम निकालने से पहले मोल्ड को थोड़ी देर चलते पानी के नीचे रखें। ऐसा करने से आइसक्रीम आराम से बाहर निकल आती है। स्वादिष्ट जामुन आइसक्रीम घर पर बनाना बहुत ही आसान है। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी जामुन आइसक्रीम परिवार को, बच्चों को खिलाइए और खाइए। इस रेसिपी को बनाइए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने विप्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।